इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा प्यारा पक्षी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस संसार में पक्षी की कई सारे प्रजाति पाए जाते हैं। इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पक्षी भी हैं जो अपने अनोखे आकर्षक रूप के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे प्यारे पक्षी के साथ मिलाने वाला हूँ जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही अनोखे अनोखे प्यारा प्यारा पक्षी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने भी इतना खूबसूरत पक्षी को देखा है जिसका पूंछ बहुत ही खूबसूरत और लंबे होते हैं? दोस्तों, आपने कभी ये अनोखे पक्षी को देखा है और दिखने में ये पक्षी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत? इस पक्षी को दुनिया की खूबसूरत पक्षियों में एक माना जाता है। इस पक्षी को स्वर्ग का नाम से जाना जाता है। क्यों दोस्तों, देख के चौंक गए ना? आगे हमारे और भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पक्षी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन में आता है ग्रेट ब्लू टोरेको। दोस्तों, ये पक्षी टोरेको परिवार से ये सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, जो कि गिनी और अफ्रीका में इस तरह पक्षी पाए जाते हैं। बात करें इस पक्षी की आकार की, ये पक्षी 20 से 30 इंच तक बढ़ जाते हैं। और बात करें इस पक्षी की रंग की, इस पक्षी के कई सारे रंग पाए जाते हैं, जिसमें नीला, हरा, लाल और पीला पाए जाते हैं। साथ ही इस पक्षी की आंखों के चारों ओर चमकीला लाल कलर होते हैं और सिर पर एक शिकट होता है जो काफी शानदार होते हैं और इस पक्षी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये पक्षी ज्यादातर पेड़ पौधों में ही अपने भोजन कर लेते हैं। इस प्रजाति में से मादा दो अंडे देते हैं। अंडे को दोनों नर और मादा दोनों पक्षी एक महीने तक देखभाल करते हैं। एक महीने के बाद इनका प्यारा प्यारा खूबसूरत बच्चे बाहर होके आते हैं। दो में आता है ब्लैक नेपर मोनार। दोस्तों, इस पक्षी को ब्लू फ्लाई कैसा नाम से जाना जाता है। इस पक्षी को जो ज्यादातर दक्षिण पूर्व देशों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति में नर की शेर के पीछे काले रंग का एक पैच होते हैं, वही मादा के पास काले भरे रंग की पंख होते हैं। और बात करें इस पक्षी की खूबसूरत की, इनका नीला रंग बहुत ही शानदार होते हैं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इंसान इसके खूबसूरत के कारण इनके तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इस पक्षी की लंबाई की बात करें तो 6 से 7 इंच तक बढ़ जाते हैं। इस पक्षी की सुंदर पंख और लंबे कांटेदार पूंछ होते हैं और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इस पक्षी के खाने के बारे में बात करें तो तितली, पतंगों और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ा खा के जिंदा रहता है। और इस पक्षी की ब्रीडिंग सीजन मार्च से सितंबर तक चलता रहता है। नंबर 3 में आता है ग्रेट ग्रेस्टेड ग्रीन। दोस्तों, इस पक्षी को जलीय पक्षी भी नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इस पक्षी की आकार की, ये 20 से 17 इंच तक बढ़ जाते हैं। ये पक्षी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इस पक्षी को खाने के बात करें तो छोटे छोटे मछली और जलीय घुस की पतंगा खा के जीवित रहते हैं। और ये पक्षी बहुत ही तैराक होता है, मतलब ये पक्षी बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैर सकते हैं, क्योंकि ये पक्षी पानी की गहराई में जाना सक्षम होता है। और इस पक्षी की सिर पे नारंगी शिखा मिल जाते हैं और साथ ही में इस पक्षी की गुलाबी रंग की पंख मिल जाता है और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बात करें इस पक्षी की जीवन काल की, क्योंकि ये पक्षी 10 से 15 साल तक जीवित रहते हैं। नंबर 4 में आते हैं बल्ट्रुइन ग्लुइन फॉल। दोस्तों, इस पक्षी को रॉयल गिनी फॉल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि जूनिया, गनांडा, केनिया, सोमालिया इसी तरह कुछ देशों में पाए जाते हैं ये पक्षी। बात करें इस पक्षी की लंबाई की, 20 से 24 इंच तक बढ़ जाते हैं ये पक्षी। आपको बता दूं, इस पक्षी की गर्दन और पूंछ दूसरे पक्षी के से भी बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। बात करें इस पक्षी की साइज, इसमें मादा नर से थोड़ी छोटी होती है। और बात करें इस पक्षी की आहार की, 20 पत्तियां और हरा भरा सब्जियां खा के रहते हैं। इस पक्षी की ब्रीडिंग सीजन जो कि जून के मौसम में शुरू होते हैं, जो दिसंबर से जनवरी तक चलता रहता है, जिसमें से मादा 15 से 16 अंडे तक दे देते हैं। और इसी तरह उस अंडे को 21 दिन तक देखभाल करना पड़ता है। 21 दिन के बाद नन्हे नन्हे बच्चा बाहर होके आते हैं। इस पक्षी में सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।